रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश कुमार राय के नेतृत्व में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर क्षेत्रीय प्रबंधक के माध्यम से महाप्रबंधक को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश कुमार राय ने बताया कि जुलाई 2018 से बकाया महंगाई भत्ते की किस्तों का भुगतान शीघ्र किया जाए तथा लंबित वेतन विसंगतियों को अविलंब समाधान हो और 31 दिसंबर 2001 तक नियुक्त संविदा चालकों व परिचालकों का दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमित नियुक्ति किया जाए। उन्होंने कहा, अगर 20 तारीख तक मांगे पूरी नहीं होती है तो सभी कर्मचारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस अवसर पर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के क्षेत्रीय मंत्री कृष्ण चंद्र श्रीवास्तव, मनोज कुमार द्विवेदी, मनोज सिंह, अरविंद कुमार, प्रदीप नायक, विनोद तिवारी, दिनेश मिश्रा, अजय कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश कुमार राय ने कहा, हर मजदूर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, प्रशासन पर हल्ला, अपनी मांगे लेके रहेंगे, अपनी मांगे लेके रहेंगे। महेश कुमार राय, क्षेत्रीय अध्यक्ष, गोरखपुर क्षेत्र। ये केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के दिनांक 7 दिसंबर 2021 को धरना प्रदर्शन करके प्रबंध निदेशक महोदय को क्षेत्रीय प्रबंधक के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। चूंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 7 दिसंबर को गोरखपुर क्षेत्र में था, इसलिए ये कार्यक्रम आज यहाँ सम्पन्न कराया जा रहा है और यह धरना देने के बाद क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा जाएगा और ये अनुरोध किया जाएगा कि अपनी संस्कृति के साथ प्रबंध निदेशक महोदय को भेजें। यह मांगें अगर दिनांक 20 दिसंबर 2021 तक पूरी नहीं की जाती हैं तो केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर कोई बड़ी रणनीति तैयार कर आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से 2018 से नियमित कर्मचारियों का डीए जो बकाया पड़ा है, राज्य कर्मचारी आज 28% डीए प्राप्त कर रहे हैं जबकि परिवहन निगम का कर्मचारी मात्र केवल 7% डीए प्राप्त कर रहा है। इसी प्रकार संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को जो देयक हैं वो बढ़ोतरी करने की मांग है। इसी तरह से नियमितीकरण का मामला है। बसों को लंबी समय से लगभग पाँच वर्ष हो गए, नई बसों की खरीद नहीं हुई, 3000 बसों की खरीद का मामला है। इसी तरह से सभी समस्याएं हैं, उसका निदान नहीं हुआ तो 20 तारीख के बाद आंदोलन कड़ा कर दिया जाएगा।